अधिष्ठान पारमार्थिक सत्य वस्तु पूर्ण विद्यमान है और नाम रूप जो दिखाई दे रहा प्रातिक प्रतीति होता है सत्यत्व प्रातिभाषिक वस्तु से भी व्यवहारिक शुभ दुख होता है। प्रातिभाषिक वस्तु से भी व्यवहारिक शुभ दुख होता है स्वप्न में पता लगता है तो कि किसी प्रकार जगत प्रातिभाषिक होते हुए भी व्यवहारिक शुभ दुख में कोई प्रतिबंधक नहीं होता। अब जो आपने प्रतिज्ञा की कि अद्वैत अधिष्ठान पारमार्थिक सत्य है और जो है जो भी जागतिक प्रपंच नाम रूप आपको दिखाई दे रहा है वो कोई पारमार्थिक सत्य वस्तु नहीं है। अब प्रतिज्ञा को पुष्ट करने के लिए आपको हेतु देना पड़ेगा। हेतु देने के लिए अनन्य वादियों की जो सत्कार्यवादी है मतलब कार्य कारण में कार्य रूप में विद्यमान रहते हैं शंकर योग दर्शन ऐसा मानते हैं सत्कार्यवादी है। एक असत्कार्यवादी है नए वैशेषिक दर्शन कार्य कारण में विद्यमान नहीं रहता पहले असत होते हुए बाद में सतरूप में पैदा हो जाता है और कारण के साथ स्वाभाविक संबंध से रहता है ऐसा उनकी मान्यता है। इन दोनों वादियों के आपस के विवाद को अवलंबन करके वेदांत कहते हैं इससे यही सिद्ध होता है कि न सत से उत्पत्ति होना संभव है न सत से उत्पत्ति होना संभव है। फिर जो है बौद्ध दर्शन में चार विभाजन है सौत्रांतिक वैभाषिक को बाहरी जगत की विद्यमानता मानते हैं एक बड़ी कहते हैं अनुमान से सिद्ध होते हैं एक बड़ी कहते हैं प्रत्यक्ष सिद्ध होते हैं। विज्ञानवादी बौद्ध बोलते हैं कि नहीं कुछ है नहीं केवल सब बुद्धि नहीं बैठी हुई है। उन दोनों की आपसी विवाह को अवलंबन करके हम यही बोलते हैं इससे ये सिद्ध होता है कि जगत पारमार्थिक है। और शून्यवादी तो कहते हैं कि मतलब कारण को नाश करके जो है कार्य दिखाई पड़ते हैं इसलिए शून्य से सब कुछ इस प्रकार से वादियों के अलग अलग जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों में आपस में विवाद को देख करके वेदांत कहते हैं इससे ये सिद्ध होता है कि पारमार्थिक उत्पत्ति होना संभव नहीं है। यदि पारमार्थिक उत्पत्ति हुई होती तब सभी व्यक्ति एक ही सिद्धांत में खड़े हो जाते ऐसी उत्पत्ति हुई और उसके सिद्धांत यदि न भवति अमृतम मर्तम अमृत अमृतम अमृतम तथा मर्तम अमृतम तथा जो जिसका पारमार्थिक स्वरूप जन्म मृत्यु से नहीं थे वो फिर उत्पत्ति विनाशील कैसे हो सकता है। प्रकृति अन्यथा भाव होना चाहिए भविष्य
जिसकी जो प्रकृति है स्वभाव है, मतलब आपने जगत के मूल कारण के रूप में क्या लिखे हैं, सजातीय विजातीय सगत व्यंग से रही एक विकार नहीं तत्व है, उसमें कहाँ से उत्पत्ति होना संभव हो गया है, तो विवर्तवादशील होना संभव है। ये यहाँ पे क्या कहते हैं, ये हो गया युक्ति हेतु। आप उसके बाद इसलिए वहाँ पे क्या कहते हैं कि यदि आप संसार को अनादि मानोगे तो क्या हो जाएगा, अनादि अंतर्वर्तम जो संसार से नाश कर सकते, इसका कभी नाश नहीं होगा। सत्य भी मान रहे हो, अनादि भी मान रहे हो, वेदांत में क्षय को अनादि माना गया है। जीव ईश्वर विशुद्धाचित जीव ईश्वर विदा अविद्या तच्चित योग सब अस्माकम अनादि है। परंतु यहाँ पे बाकी जो अनादि माना गया है, मतलब ये नहीं है कि अनादि काल से सत्य रूप में चलता है, इसका बिगिनिंग कब से हुआ हमको पता नहीं लगता, इसलिए अनादि बोलते हैं। बिगिनिंग है नहीं इसलिए पता नहीं लगता। उसमें केवल बाकी सब बाकी पांच जीव अविद्या जीव ब्रह्म विशुद्ध मतलब ब्रह्म को छोड़ विशुद्ध चित्त को छोड़ करके बाकी पांच जो है क्या है, ज्ञान नाश है, ज्ञान के द्वारा नाश हो जाता है। तो जो वस्तु का जो स्वभाव है वो कभी भी परिवर्तन नहीं होता। तो यदि इसको अनादि मानोगे पारमार्थिक सत्य मानोगे तो संसार दुख से बच नहीं पाओगे, हमेशा रहेगा, मुक्त होने का संभव नहीं रहेगा। और यदि मुक्ति, क्योंकि विज्ञानवादी बौद्ध और हमारा जो नए शोधतांत्रिक वैभाषिक और हमारा नए जो वैशेषिक दर्शन, ये सब क्या मानते हैं कि जो है मुक्ति उत्पन्न होता है, साधन से मुक्ति उत्पन्न होता है। परंतु जो व्यक्ति उत्पत्तिशील होगा वो अनंत कैसे हो सकता है ना, अनंत तथा आदिमत मोक्ष न भविष्य। इसलिए मुख्य सिद्धांत क्या है, आदावंत तथा नास्ती वर्तमान पिता, जो पहले भी नहीं था अभी ज्ञान के बाद भी नहीं रहेगा वर्तमान में, जिस पर रज्जु के ऊपर दिखाई देगा सर पर, जब तक मैं नहीं देख रहा था तब भी वहाँ पर सर पर नहीं था, जब रज्जु के पास जाकर के देख लूंगा तब भी वहाँ पर सर पर नहीं है, बीच में जो थोड़ी देर के लिए वास्तविक सर्प की प्रतीति हो रही है वास्तविक वहाँ पर नहीं है। इसलिए वितथे सदृश संत और वितथा ही लक्षता मिथ्या होते हुए भी सत्य जैसे प्रतीति होती है। इस प्रकार यहाँ कथन करने के बाद अब जगत की मिथ्यात्व को सिद्ध करने के लिए ग्रंथकार ने स्वप्न में जिस जिस कारण से वस्तु को मिथ्या कहे तो सारा चीज जागृत में घट जाता है। स्वप्न में जिस जिस कारण से आप स्वप्निक वस्तु को मिथ्या कहते हैं जागृत में सारा चीज घट जाते हैं। परंतु गुरुदेव बोलते नहीं जी, क्योंकि स्वप्निक वस्तु अत्यंत चंचल होते हैं और जागृत की वस्तु स्थिर है, हम वही वस्तु रोज रोज दिखाई पड़ते हैं। बोलते यही जो है आपकी एक भ्रांति है, आप सोचते हैं कि आपको वही वस्तु दिखाई पड़ते हैं, वो वस्तु नहीं दिखाई पड़ते हैं, उसमें कितना परिवर्तन हो गया तो आपकी जो है आँख दृष्टि उसको समझ नहीं पाते हैं। पहले बोले हम लोग ये बोल कर भी आए थे कि जागृत जो है स्वप्न के लिए कारण बनते हैं, फिर बाद में कह देते हैं कि नहीं नहीं कारण कैसे होगा वो, क्योंकि अब यदि पहले इसलिए बोले थे क्योंकि यदि आप कारण के गुण कार्य में आता है, कार्य में मिथ्या तो दिखाई पड़ रहा है इसलिए जागृत भी मिथ्या ऐसा करते हैं। परंतु बाद में दिखाया गया कि जागृत स्वप्न के लिए कारण नहीं है, जागृत वस्तु के प्रति जो हमारी भावना अटैचमेंट वो हमारी स्वप्निक वस्तु को देखने के कारण होते हैं, और यही भावना में परिवर्तन होता रहता है। आप जो दिखाई दे रहे हैं वस्तु, परंतु आप अपने मन को देखो उस वस्तु के प्रति आपके क्या क्या परिवर्तन हुआ, तो यही जो है मिथ्यात्व के लिए हेतु है ऐसा निश्चय। इस प्रकार से इसका कंक्लूशन करते हुए हम लोगों ने इस श्लोक को पढ़ लिए थे, 40 से शुरू होगा, नंबर 40 से शुरू होगा, श्लोक को सब मिलकर के एक साथ पढ़ेंगे। नास्ति असत् हेतुकम् असत् सत् असत् हेतुकम् तथा सच्च सत् हेतुकम् नास्ति सत् हेतुकम् असत् भूतः। क्या बोलते हैं कि असत् हेतु कम असत, असत हेतु वाला असत वस्तु, मतलब पंद्रह पुत्र की बगीचा आकाश को सुंदर न पड़ सके, ये दोनों ही असंभव है, असत से असत उत्पत्ति होना संभव नहीं है। और सत असत हेतु कम था, जब जो वस्तु है और असत से उत्पत्ति हो जाए, मतलब कुछ नहीं है उससे कुछ है रूप में दिखाई देने लगे, ये भी नहीं हो सकता, पारमार्थिक प्रतिदिक हो सकता है, भ्रांति से हो सकता है, यही बात। ठीक इसी प्रकार से सत्य सद हेतु कम नास्ति, सत्य के लिए भी सत्य हेतु नहीं होता, क्योंकि सांख्यवाद जो है वो सत्कार जो बात है वो कहते हैं कार्य कारण में कार्य रूप से रहते हैं, मतलब क्या है उसको हमें घट दिखाई दे रहा है, एक घट से दूसरे घट की उत्पत्ति नहीं होती। आप बोलेंगे आप तो कारण जो है कार्य रूप में तो आता है,
अब जो है तब हम क्या बोलते हैं, श्रुति क्या बोलती है, पाचारम्भनम विकारुणाम हेयम इत्यका इत्येव सत्यम। वो जो आप कार्य रूप में कार्य शब्द अपने प्रयोग कर रहे हैं, वास्तविक वो उपादान कारण के नित्य का ही एक संस्थान विशेष है, नित्य का ही है, वहाँ पर नित्य का भिन्न और कुछ नहीं है। इसीलिए वो जो कार्य शब्द बुद्धि आप ला रहे हैं वो नहीं है, कारण ही सत्य है, कारण ही सत्य है। इसीलिए सत्य सद हेतु कम नस्ति, सत के लिए भी सत हेतु नहीं हो सकता, सत हेतु कम असत को ध्यान देना। सत्य सद हेतु कम नस्ति कहने का अभिप्राय है कि एक नंबर शांखवाजी सत कार्यवाद मतलब घड़ा को जो दिखता है, घड़ा बनाने वाले को मृत्यु का में घड़ा दिखता है उनको, तो घड़ा से ही घड़ा बन रहा है ऐसा उनका कथन है, परंतु घड़ा से घड़ा नहीं बन सकता ये हम निर्णय नहीं कर रहे हैं। तब बोलेंगे नहीं नहीं मृत्यु का जो है घड़ा रूप में, तो मृत्यु का जब घड़ा रूप में परिणत होता है तो मृत्यु का जो है मृत्यु का भिन्न और कुछ नहीं है वहाँ पे, क्योंकि श्रुति वाक्य है यहाँ पे। और फिर भी नाम मूर्ता मूर्त रूप देखा करके वहाँ पे अथा तो आदेश रेति रेति करके नाम रूप मनुष्य कर देते हैं मूर्ता मूर्त रूप। इसलिए श्रुति वाक्य के आधार पर सत भी सत के लिए हेतु ले सकता है, सत हेतु कम असत हो तो सत हेतु वाला होकर के असत वस्तु भी कैसे उत्पन्न हो जाए। इस प्रकार चारों प्रकार से जो हम दो ही चीज़ है सत और असत, सत से सत की उत्पत्ति, सत से असत की उत्पत्ति, और असत से असत की उत्पत्ति, असत से सत की उत्पत्ति, इस प्रकार की उत्पत्ति होना संभव ही नहीं है, ये इनका कहना है। तो अब जो है हम लोग टीका से शुरू करते हैं, ठीक है, 40 की टीका देखिए। व्यवहार दृष्टिया कार्य कारणत्वम स्वप्न जागृतयोः उक्तम। व्यवहारिक दृष्टि से स्वप्न और जागृत में कार्य कारण, स्वप्न कार्य है जागृत कारण है, ऐसा करके कहा गया। व्यवहार दृष्टिया कार्य कारणत्वम स्वप्न जागृतयोः उक्तम, स्वप्न और जागृत जो है कार्य कारण भाव से व्यवस्थित है, व्यवहारिक दृष्टि से ऐसा कहा गया। तत्व दृष्टिया तो अप्रसिद्धम पारमार्थिक दृष्टि से तो ये होना संभव ही है, तत्व दृष्टिया तो तात्विक दृष्टि से तो है अप्रसिद्धम क्वचित अपनी कार्यकरण किसी भी जगह पे कार्यकरण बन। ये जब बृहदारण्यकोपनिषद पढ़ेंगे ना उसमें खड्गभाष्य आता है, प्रसिद्ध खड्गभाष्य होते हैं उसको, उसमें कितना सुंदर करके भगवान भाष्य का ये जो है कार्यकरण भाव होना संभव ही है, लंबा भाष्य खड्गभाष्य ये कार्यकरण भाव एक अपने कल्पना मात्र मन से बना लिया, फिर हम उसको सोचते हैं कारण ही एक विशेष रूप में कार्य रूप में उसे बोले ऐसा कहते हैं, परंतु कारण ही कारण है हमेशा, कारण ही कारण है। इसलिए क्वचित अपि किसी भी स्थान में अथवा किसी भी अवस्था में कार्य कारणत्वम कार्यकरण भविष्य वदन इस प्रकार बोलते हुए अवस्तु न अज्ञाना अवस्तु अवस्तु एवं कार्यम भवती मतम व्यवर्तयति। इस प्रकार से क्या बोला, तत्व दृष्टा तो अप्रसिद्धमेव क्वचित अभी कार्यकरण तात्विक दृष्टि से तो किसी भी जगह पे कार्यकरण भाव पारमार्थिक होना संभव ही नहीं है, क्योंकि जगत के मूल कारण के रूप में जिसको श्रुति ने प्रतिपादन किया चाहे ब्रह्म शब्द से हो चाहे आत्मा शब्द से हो चाहे सत शब्द से हो चाहे पुरुष शब्द से हो, परंतु उसमें पहले दिखा दिया वो सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित एक अभिकारी तत्व है, तो हम परिणाम कैसे होगा। इसलिए इति बदल इस प्रकार बोलते हुए अवस्तु न अज्ञाना अवस्तु एवं कार्य, किंतु वो क्यों दिखाई पड़ता है पारमार्थिक नहीं तो होते हुए अज्ञान से वस्तु रूप में प्रतीति हो गया, इसलिए अवस्तु एवं कार्य भगवती जो भी कुछ कार्य रूप में दिखाई पड़ते हैं वो अवस्तु है, मतलब पारमार्थिक वस्तु नहीं है प्रतीति मात्र है पारमार्थिक। इति मतम व्यवर्त्यति इस प्रकार इस मत को भी निराकरण करते हैं। यहाँ पे देखिए पांच मतलब सृष्टि इस प्रकार से असत से असत सत से सत किसी भी प्रकार से मान लो सृष्टि सामने दिखाई दे रहा है बोलते पारमार्थिक होना संभव ही नहीं है प्रतीति मात्र है। वहाँ पे पांच नंबर टिप्पणी दिखाई पड़ रहा है, कहाँ पे है पांच नंबर टिप्पणी, अज्ञानाथ हाँ अज्ञानाथ अवस्तु भूता ज्ञान अभाव, मतलब वो पारमार्थिक मार्ग में नहीं है कि उस वस्तु संबंधित ज्ञान नहीं होने के कारण वो वस्तु ऐसा प्रतीति हो रहा है। इस प्रकार सुवर्णविद को अलंकार नहीं दिखाई देता उसको सुवर्ण ही दिखाई देता, सुवर्णविद को अलंकार के ऊपर उसका आसक्ति नहीं रहता दुराग्रह नहीं रहता उसका सुवर्ण के ऊपर दुराग्रह, इसी प्रकार आत्मविद को नाम रूप के ऊपर दुराग्रह नहीं रहता आत्म के ऊपर निष्ठा रहता है। कि अज्ञाना अवस्तु भूता जो पारमार्थिक वस्तु नहीं रूप नहीं है, भूत मतलब पारमार्थिक रूप अथवा पारमार्थिक आत्मक
ज्ञान अभाव वस्तु संबंधित ज्ञान नहीं मिली अर्थ न तो वेदांति अभिमत भाव वेदांत अभिमत भाव रूपत्वादिति भाव जो वेदांतिक अभिमत नहीं है वो क्योंकि हम देखो त्रिषु अपि कालेषु जगत सत्तां न व्यभिचरति भगवान तीनों अपि काल में जगत अपनी सत्ता का व्यभिचार नहीं करता तो किसका व्यभिचार करता है नाम रूप का व्यभिचार करता है ये नाम रूप अर्थ क्रियाकारिता को मिथ्या बोलते हैं सत्ता को मिथ्या नहीं बोलते सत्ता एक ही सत्य एक ही सत्य सत्तानी होते हुए सभी नाम रूप प्रतीति होती है इसलिए यहाँ पे बोलते हैं न तो वेदांत अभिमत भाव रूप वेदांतिक अभिमत जैसे तो हमारे पास स्वभाव रूपी है अभाव नहीं है कार्य भवति इति मतम इस मत को निराकरण करते हैं कि कार्य उत्पत्ति होना संभव ही नहीं है नास्ति असत हेतुकम ये प्रतीक जो है जो श्लोक के प्रतीक है नास्ति असत हेतुकम असत मतलब असत हेतु वाला कोई असत वस्तु नहीं हो सकता असत हेतु वाला कोई असत वस्तु नहीं हो सकता अच्छा शून्यवादिनस्तु सदैव कार्य जायते शून्यादिति मन्यन्ते तान प्रतिहार शून्यवादिनस्तु और इसका विपरीत शून्यवादी है वो लोग क्या कहते हैं सदैव कार्यम जायते कार्य सत रूप में विद्यमान रूप उत्पन्न होता है कहाँ से शून्य अविद्यमान वस्तु से नॉन एक्सिस्टेंस से एक्सिस्टेंस आ जाता है इसलिए बोलते हैं कि कार्यम जायते शून्यादिति मन्यन्ते इस प्रकार जो मानने वाले हैं उनके प्रति हमारे ग्रंथकार कहते हैं तान प्रति अह सत असत हेतुकम तथा तथा मतलब नास्ति इस प्रकार से सत वस्तु भी असत हेतु वाला नहीं हो सकता है ये जो है सेकेंड द्वितीय पाठ के लिए बोला तथा इति अनेन नास्ति इति एतत् अनुकृष्यते श्लोक में आए हुए है द्वितीय पद में अंतिम में जो तथा पद है उस तथा पद के द्वारा नास्ति को समझना पड़ता है नास्ति इसलिए बोलते हैं तथा इति अनेन श्लोक की द्वितीय पद के अंतिम शब्द जो तथा है इस पद के द्वारा नास्ति इति एतत् अनुकृष्यते शुरू में आया है नास्ति उसको अनुकृष्य उनको वहाँ पर जोर के अर्थ किया जाता है खींचा जाता है अनुकृष्यते सांख्यादयस्तु कार्य कारणयोः द्वयोरपि सत्यं संगीरन्ते शांख योग दर्शन इन के फॉलोअर भी और है वो लोग तो क्या कहते हैं कार्य कारण दोनों को सत्य मानते हैं कार्य कारण द्वयोरपि सत्यं दोनों पारमार्थिक सत्य ऐसा संगीरन्मत रूप से कथन करते हैं है? क्योंकि सत्कार्यवादी है वो कारण भी सत्य है कार्य भी सत्य है ऐसा मानते हैं तान प्रति उत्तम उनके प्रति ये कहा जाते हैं सच्च सद हेतुकम नस्ते घट से उस घट की उत्पत्ति होती है नहीं दिखाई देता क्योंकि आप घट की विद्यमान क्यों वो सांख्यवादी क्या करता है कार्य में कारण में कार्य रूप में विद्यमान है घट वहाँ पे विद्यमान देखते हैं तो घट से घट की उत्पत्ति है तो उनको कहना पड़ेगा तो कहीं नहीं दिखाई देते इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं सच्च सद हेतुकम नस्ते अच्छा फिर सत ब्रह्म कारण मिथ्या प्रपंच सृष्टि रीति एक वर्णयंत्रता निर्दृष्टि वेदांत के उद्देश्य आदि जो लोग थोड़ा पूरा नहीं समझते वो लोग क्या बोलते हैं ब्रह्म कारण तो सत रूप है उस सत से ही असत जगत की उत्पत्ति होती है ये भी हम नहीं मानते इसे सत सत रूप में हमेशा एक रूप में रहते हैं सत ब्रह्म कारण सत ब्रह्म जगत के कारण है मिथ्या प्रपंच सृष्टि है मिथ्या प्रपंच की सृष्टि में सत ब्रह्म ही कारण रीति एक कुछ लोग ऐसा ही बोलते हैं वर्णयंती कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं तान उनकी भी उनकी मत को भी खंडन करते हैं तान निराचष्टे सत हेतु कम असत को तो सत हेतु वाला असत वस्तु कैसे हो सकता है सत हेतु वाला होते हुए असत कैसे होते हुए कुछ असत होना चाहिए आप इतना कथन करने के बाद मतलब देखिए आनंद की जी अपने आप श्लोक की अर्थ करते एवं एक एक पाठ के आनंद किसी का समझ में क्यों पहले श्लोक आया है यहाँ तो मन का में तो आनंद गिरी श्लोक एक एक पाठ के किस किस वादियों को ध्यान में रखते हुए ग्रंथ का मैंने लिखा वो लिखा दिया अब आनंद गिरी भाष्यकार को जो मिल जाए भाष्यकार की मुक्ति हो जाए ग्रंथकार मतलब गौरवाचार्य किन किन विपक्षित सिद्धांत को मन में रखते हुए एक श्लोक को लिखा उसको आनंद गिरी ने लिखा दिया अब जो है भाष्यकार क्या कहना चाहते हैं उसको बोलते हैं श्लोक से तात्पर्य महा भगवान भाष्यकार श्लोक की तात्पर्य जो कहते हैं भगवान भाष्यकार परमार्थ तस्तु न कस्यचित् केनचिदपि प्रकारेण कार्यकरण भावो उपपद्यते पारमार्थिक दृष्टि से तो न किसी भी न पालन करेंगे न उपपद्यते तो वहाँ पर अन्याय होगा ना का है ना युक्ति संगत नहीं होता कस्यचित् किसी भी वस्तु का केनचिदपि प्रकारेण किसी भी प्रकार से द्वारा कार्यकरण भाव तो होना संभव ही नहीं है
पद्धति न पद्धति का जो भाव कहना भी कुछ संगत नहीं है। तो हम तो शुरू से व्यवहार करते हैं, इसका ये कारण है, इसका कारण है। तो आप जो है स्वप्न में तो कितना कारण से कितना वस्तु उत्पत्ति का आप माया नियंत्र में शो करके कार्यकरण भाव के संस्कार उसी को आप चला दे जाते हैं। जब आप जग जाएंगे तब पता लगेगा कि इस पर होना संभव ही नहीं है, ये कार्य का मतलब सृष्टि होना संभव ही नहीं है। व्यवहारिक दृष्टि से अगर प्रातिभाषिक दृष्टि से कुछ कार्यकरण का मान के व्यवहार चलाना चाहते हैं, परंतु जिस लक्ष्य को लेकर के जीवन के जिस लक्ष्य को लेकर के हम चल रहे हैं उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सृष्टि की कोई उपयोगिता नहीं है। तो परमार्थ वस्तु न कस्यचित् केनचित् अपि प्रकारेण किसी भी वस्तु का किसी भी प्रकार के द्वारा कार्यकरण का किसी के साथ कार्यकरण का होना संभव नहीं है। न उपपद्यते क्यों नहीं हो सकता जी, कथम प्रश्न करें क्यों नहीं हो सकता है। नास्ति असत हेतु को असत, ये जो पहला पाद है श्लोक की, असत वस्तु असत हेतु वाला असत वस्तु नहीं है। असत हेतु वाला मतलब कारण, असत कारण वाला कोई असत वस्तु नहीं हो सकता। इसलिए होता है नास्ति असत हेतु को असत। दृष्टांत दे रहा है सश विषाणादि हेतु कारण दस्य असत एवं खुष्मादि, ठीक है ना। सश विषाण आकाश कुसुम का कारण हो गया, ठीक है। सस्व विषाण आकाश कुसुम का कारण हो गया, ऐसा कोई नहीं कहेगा ना, कहीं से तो भी नहीं होने से। सस्व विषाण आदि हेतु ये ना कारण दस असत, ये जो है कारण है जिसका किसका इस असत एवं खुसुमादे दस खुसुमादे जिस आकाश कुसुम का कारण होगा ये नहीं दिखाई पड़ता है। तब असत हेतु असत न विद्यते, इस प्रकार असत हेतु वाला कोई असत वस्तु विद्यमान नहीं दिखाई देता। असत हेतु वाला असत कारण से उत्पन्न हुआ कोई कार्य वस्तु संसार में नहीं दिखाई पड़ता, ठीक है। पहला लाइन नास्ति असत हेतु कम मतलब असत सस्व विषाणादि हेतु कारण असत प्रथम एक वचन है, क्योंकि नास्ति के साथ आगे प्रथम एक वचन है ये यस असत एव कुसुमादे षष्ठी एक वचन है। यस असत एव कुसुमादे एव अव्यय है, बाकी सब षष्ठी एक वचन है कुसुमादे। तद असत हेतु कम वो जो असत हेतु वाला असत न विद्यते, असत हेतु वाला असत वस्तु की विद्यमानता नहीं होती। ये हो गया फर्स्ट पहला पाप का अर्थ हो गया। तथा ठीक उसी प्रकार से सत अपनी घटादि वस्तु असत हेतु कम सस्व विषाणादि कार्य नास्ति, इसी प्रकार से घटादि जो सत वस्तु दिखाई पड़ता है असत हेतु वाला मतलब सस्व विषाण से घट नहीं बन सकता है। आप तो हाथी की दात से घट कार्यकरण भाद्री उपादान कर लेंगे, तो जो है खरगोश की सिंह से तो आप घट नहीं बना सकते। इसीलिए बोलते हैं सत अपनी घटादि वस्तु, सत भी घटादि जो वस्तु है असत हेतु का असत हेतु वाला मतलब सस्व विषाण आदि कार्य न भगवती नास्ति भवानी। सेकेंड पॉइंट हो गया तथा फल तो क्या हो गया असत हेतु वाला असत भी नहीं हो सकते, असत हेतु वाला सत भी नहीं हो सकते। ये फर्स्ट पॉइंट। फिर आप सत हेतु वाला हुआ तो ऐसा मानते हैं, तब होते हैं तथा च तथा सत च मतलब विद्यमान घटादि, विद्यमान घटादि वस्तु अंतर कार्य विद्यमान घटादि वस्तु और विद्यमान घटादि वस्तु की जो कार्य अंतर है उसमें नहीं दिखाई पड़ता। घट से भी घट की उत्पत्ति नहीं दिखाई पड़ता है। वो सत्कार्यवादी यही मानते हैं कि कारण में कार्य, कार्य रूप में विद्यमान रहता है, तो घट से घट की उत्पत्ति कहाँ दिखाई दिया, ये नहीं होता है। यहाँ पे टिप्पणी दिखाई पड़ते हैं नौ नंबर एक टिप्पणी नास्ति नास्ति सत सद हेतु कत्य, यदि सत ही सत के लिए हेतु होगा घटात घटांतर घट उत्पाद आपादात इति मतलब घट से घटांतर की उत्पत्ति के प्रश्न को आ जाएगा, ये इसके अंदर भाव है, ठीक है। नास्ति के ऊपर एक नंबर से सत सत का सत हेतु कत्य सत हेतु वाला होने से हेतु कत्य सति सत का सत हेतु वाला होने पर घटात घटांतर उत्पाद उत्पाद आपाता घट से घटांतर की उत्पत्ति का प्रसंग आ जाएगा, ये इसके अंदर भाव है, ठीक है। सत कार्यम असत कुत एव सम्भवति, और सत वस्तु का कार्य असत ये कहाँ से हो सकता है, ये भी तो नहीं हो सकता। सत कार्यम सत का कार्य असत ये भी कैसे होना संभव है। इस प्रकार से न असत से सत और असत से असत की उत्पत्ति हो सकता है, न सत से सत की उत्पत्ति, न सत से असत की उत्पत्ति, चारों प्रकार की उत्पत्ति होना संभव नहीं है। न च अन्य कार्य कारण भाव संभवती शक्यो व कल्पति विचार के बिना और किसी भी प्रकार से कार्य कारण भाव को सिद्ध होना संभव नहीं होता, है ना। न च अन्य कार्य कारण भाव संभवती शक्यो व कल्पित, मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते। अतः विवेकिना
असिद्ध एव कार्य कारण भाव कस्यचित् इति अभिप्राय है। देखिए एक शब्द जो भी अपन विवेकिना विवेक पूर्वक जो आप देखना सीखेंगे तब आपको कार्य कारण भाव नहीं दिखेगा, अविवेक पूर्वक देखते हैं तो आपको कार्य कारण भाव दिखेगा। अतः दो नंबर टिप्पणी केनचित् केनापि प्रकारेण कार्य कारण भावस्य निरूपयितुम् अशक्यत्वात्, अतः है ना, किसी भी प्रकार से कार्य कारण भाव को निरूपण करना संभव नहीं होने के कारण केना भी प्रकार है ना, किसी भी प्रकार से कार्य कारण भाव कार्य कारण भाव का निरूपयितुम् मतलब प्रतिपादन करना अशक्यता संभव नहीं होने के कारण कार्य कारण भाव कहीं होना संभव ही नहीं है, ये सिद्ध होता है। तो विवेक की नाम श्री विवेकी व्यक्तियों के लिए तो असिद्ध एवं कार्य कारण भाव, विवेकी व्यक्ति के लिए तो ये कार्य कारण भाव सिद्ध ही नहीं होता। कस्यचित् किसी भी वस्तु का, किसी भी वस्तु का इति अभिप्राय, इसके अभिप्राय का। तो भाष्य देखिए, भाष्य करके भी हम समझ सकते हैं, टीकाकार थोड़ा सा मदद करते हैं अर्थ बोलने के लिए। टीकाकार ग्रंथ का भाष्य, टीकाकार श्लोक की अर्थ कर दिए, भाष्यकार भी श्लोक की अर्थ कर दिए, टीकाकार एक एक वादियों को मन में रखते हुए दिखाया, भाष्यकार सामान करते हैं भिन्नता को देखिए। टीकाकार एक एक वादियों की सिद्धांत को सामने ला करके देखा, इसका इस वाद्य की सिद्धांत है और भाष्यकार सामान करते हैं, ठीक है। ये तो अर्थ में भी भिन्नता नहीं है, वादियों को अलग करके नहीं दिखाया। अब देखिए फिर टीका मैंने, तो शुद्धम कार्य कारणत्म जया कया च प्रक्रिया प्रतिपादयितुम् उचितम् अन्यथा प्रसिद्धि प्रकपात इति आक्षिपति। इसका प्रतिग्रहण कथम, कथम मतलब और जो पहला लाइन पे राइट हैंड कॉर्नर में देखिए कथम प्रश्न कर रहे हैं, कैसे बोल रहे भी कार्यकरण भाव नहीं है भाई, संसार में प्रसिद्ध है वो बोलते इसका ये कार्य, इसका ये कार्य, इसी बंदे इसी बंदे से प्रसिद्ध है। तो यदि आप कार्यकरण भाव सिद्ध नहीं होगा तो प्रसिद्धि की जो है नाश हो जाएगी, इसलिए ऐसा नहीं कहना चाहिए आपको। एक और वेदांति के प्रति जो कार्यकरण भाव मानने वाले लोग आक्षेप करते हैं, प्रसिद्धम कार्य कारणत्म, जो प्रसिद्ध है ये इसका कारण है, इसका कार्य इस प्रकार दिखाई पड़ते हैं हमको, तो कार्य कारण जया कया च प्रक्रिया, जिस किसी भी प्रक्रिया के द्वारा प्रतिपादन जो उचित हो इसको प्रतिपादन करना युक्तिसंगत है, क्यों अन्यथा प्रसिद्धि प्रकपात, नहीं तो जो लोग प्रसिद्ध है उसका उसका प्रकोप हो जाएगा, मतलब विरोध करने लग जाएगा, अरे लोग प्रसिद्धि को देख करके शास्त्र नहीं है, शास्त्र तो लोग प्रसिद्ध को मिटाने के लिए है, शास्त्र दृष्टि जब खुल जाएगा तो लोग दृष्टि हट जाएगा, इसलिए बोलते यहाँ पे जया कया च प्रत्येक चीज ध्यान रखना। और भी शास्त्र जो है बिल्कुल लोग सिद्धांतों को मानते नहीं, ये भी हम नहीं कह सकते, तो हमारी मान्यता दे करके पहले तो हम कार्यकार भाव को मान्यता देते, फिर बाद में प्रसिद्धि भाव को बोलते हैं, देखो कार्य नामक कोई वस्तु है ही नहीं, तो इसलिए जो आपको दिखाई दे रहा है तो पारमार्थिक नहीं होने के कारण कोई कारणता भी नहीं है, पर एक वस्तु है इसके बिना तो भ्रांति और अधिष्ठान के बिना नहीं होते, ये सिद्ध हो जाता है। अन्यथा प्रसिद्ध प्रकपात, नहीं तो यदि ऐसे नहीं कर दो तो प्रसिद्धि का जो है प्रकप हो जाएगा, मतलब प्रसिद्धि का बाद प्रसिद्ध बाधित हो जाएगा, इति आक्षेपति, इसी को मन में रहता है, आक्षेप करते हैं, कैसे बोलते हो कि कार्य कारण भाव होना संभव नहीं है, कार्य कारण भाव न उपबंधते कस्यचित् केनचित् अपि प्रकारेण, किसी भी प्रकार से किसी भी वस्तु के कार्य कारण भाव होना संभव नहीं है, या कैसे बोल रही है, तो प्रसिद्धि का बाधक है ये, इस प्रकार शंका करने पर तब बोलते हैं कथन। तब अनंत फिर देखिए वो जो नास्ति असत्य जो हम उसको लेकर के जोर रहेंगे, अनिर्वच्यम मायामयम कार्य कारणत्म प्रतीति मात्र सिद्धम अयौक्तिकम अधिकृत प्रसिद्धि और विरुद्ध इति अभिसंधाय आत्मवादम विभक्ति, ठीक है। जो नास्ति अनिर्वच्य भी अनिर्वचनीय है, अनिर्वचनीय मतलब बोला नहीं जाता, नहीं है सत अथवा असत रूप में निरूपण नहीं किया जा सकता, अनिर्वचन का भी प्रयोग इसमें गड़बड़ करते हैं, वेदांती बोलते हैं अनिर्वचन तो बोला नहीं जाता, और इतना बोलता रहता है सबसे अधिक वेदांती बोलता रहता है, सारा अधिक से किसी भी दर्शन के ऊपर यदि चाहे आस्तिक दर्शन अथवा चाहे नास्तिक दर्शन को सबसे अधिक ग्रंथ अगर आपको मिलेगा तो वेदांत नहीं मिलेगा, अरे वो अनिर्वचन बोला नहीं जाता, यहाँ पर अनिर्वचन का भी प्रयोग दिया है, इसको सत असत रूप में निरूपण नहीं किया जा सकता, अनिर्वच्यम मायामयम मतलब जो माया से प्रतीति होता है,
है ना, माया इति अविद्यमानस्य आख्या, माया मतलब क्या है, जो वस्तु नहीं है उसी को प्रतीति है, उसी को माया बोलते हैं। कार्य कारणत्वम प्रतीति मात्र सिद्धम, ये कार्य कारण भाव है, ये प्राकृतिक मात्र है, प्रतीति मात्र सिद्धम, इसके पीछे और कोई नहीं है, प्रतीति मात्र है इसके, और कोई इसके पीछे रूल्स अथवा नियम नहीं है, इसलिए मात्र शब्द प्रयोग किया, तो प्रतीति भिन्न और कुछ भी हेतु नहीं है कार्य कारण भाव में सिद्धम। और जो युक्ति पूर्वक विचार करेंगे, एक क्या है हमारे पास 25 नंबर श्लोक देखो जरा, वहाँ पे क्या बोले थे, एक प्रज्ञप्ते स्वनिमित्तत्व इष्यते युक्ति दर्शन निमित्त स्वनिमित्तत्व इष्यते भूत, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। निमित्त और 25 नंबर पेज 224 इस लाइन को ध्यान, निमित्त स्वनिमित्तत्व इष्यते भूत दर्शन, जिसको हाँ जहाँ पे आपको निमित्त लग रहा है वो वास्तविक निमित्त नहीं है, कब, जब आपको यथार्थ दृष्टि खुल जाए, भूत दर्शन युक्ति पूर्वक देखते हैं तो इसके पीछे ये निमित्त हम कह सकते हैं, परंतु जब आप केवल तर्क सार सिद्ध करना चाहोगे तो ठीक है मान लेंगे, परंतु जब आप यथार्थ दृष्टि खुल जाएगा तब आपको कार्य कारण भाव नहीं दिखेगा। निमित्त अनिमित्त दृश्यते, निमित्त अनिमित्त है ऐसा हमारे विषय कर भूत दर्शन, यथार्थ दृष्टि खुलने पर, इस प्रकार आपने मृतिका के कार्य के रूप में खरा शकर आदि सब बताया, ठीक है ना, तो वहाँ पे युक्ति के द्वारा क्या कहते हैं कि मृतिका इसमें परिणत हुआ, परंतु भूत दर्शन क्या है, वहाँ पे मृतिका ही मात्र है, मृतिका भिन्न और कुछ नहीं है, वो यथार्थ दर्शन, इसलिए वहाँ पे कार्यकरण भाव जो दिखाई दे रहे हैं तत्कालिक प्रकृति मात्र है, किसी भी समय मृत्यु के रूप में टूट जाते हैं, फिर वो जब खरा टूट जाते हैं फिर मृत्यु रूप में बदल जाते हैं, इसी जगह बोलते हैं कि अनिर्वाच्यम मायामयम कार्य कारणत्वम, कार्य कारण भाग में दो विषय नाम दिया, एक अनिर्वचनीयता और एक मायामय। प्रतीति मात्र सिद्धम, कैसे सिद्ध होता है, केवल प्रतीति मात्र सिद्ध होता है, और जो उक्तिकम उसके पीछे कोई पारमार्थिक युक्ति नहीं है, अधिकृत प्रसिद्धि और विरुद्ध इति, इसलिए उसको माने उसको अधिकृत प्रति प्रसिद्धि और इसलिए जो प्रसिद्धि दिखाई पड़ते हैं वो युक्ति केवल मतलब युक्ति के सहारे बोलते हैं, भूत दर्शन नहीं है, ऐसे होते हैं प्रसिद्धि और विरुद्ध, इसलिए प्रसिद्धि आपने क्या बोला कि प्रसिद्धि का प्रकोप हो जाएगा, ठीक है व्यापारिक प्रसिद्ध मान लो पारमार्थिक नहीं है, ये हमारी कहना अब इति अभिसंधाय, इसी को मन में रखते हुए भगवान भाष्यकर आद्यम पादम विभजते, शुक्ल छोटी श्लोक की जो चार पाद है उसमें पहले पाद को विभाग करके दिखाते हैं, उसके अभिप्रेत अर्थ को कहते हैं। अब जो है नास्ति असत हेतु कम असत सस्व विषाणादि हेतु कारणम यस्य असत एव ख कुसुमादि तद असत हेतु कम असत न विद्यते, देखिए नास्ति शब्द का अर्थ क्या कर दिया, न विद्यते वो अस्परमार्थी है ही नहीं, क्योंकि पहला पाद की अर्थित हमने पढ़ लिए थे, मतलब सत हेतु कम असत सस्व असत हेतु कम असत सस्व विषाणादि, मतलब जो भी कुछ सस्व विषाण तो आकाश कुसुम से अंतर्पुत्र की उत्पत्ति तो आकाश को समझे सशस श्रृंग की उत्पत्ति इस प्रकार कहीं भी नहीं दिखाई दिया, कारण जस असत एवं समाधि तब असत हेतु कम उसको असत हेतु असत न विद्यत असत वस्तु है उसके विद्य मानता ही नहीं है। अब टीकाकार बोलते हैं द्वितीय पादम व्याचष्टे, श्लोक के द्वितीय पाद को व्याख्या करते हैं, द्वितीय पाद क्या है, सत सत असत हेतु कम तथा, है ना, असत सत सत भी असत हेतु वाला नहीं हो सकता है, तथा सत अपि घटादि वस्तु असत हेतु कम सस्व विषाण आदि कार्य नास्ति न विद्यते, घटादि वस्तु भी सस्व विषाण का कार्य नहीं हो सकता है। तथा च कोई कहते हैं वहां पे बहुत अच्छा कुमार रहते हैं, वो बंधा पुत्र है माने तथा च सच्च विद्यमान घटादि ये टीकाकार बोलते हैं तृतीय पाद व्यय करो कि तृतीय पद को व्याख्या करते हैं भगवान भाष्यकर तथा सच्च विद्यमान घटादि विद्यमान घटादि वस्तु अंतर कार्य नास्ति, विद्यमान वस्तु से विद्यमान वस्तु की भी उत्पत्ति होती नहीं दिखाई पड़ती है, इसलिए इसका ठीक परिणाम पढ़ लिए थे। तथा चतुर्थ पाद महा चतुर्थ पाद को कहते हैं कि सत कार्यम असत को जो संभवती है ना, असत से सत कैसे उत्पन्न हो सकता है, सत कार्यम असत सत का कार्य असत कैसे हो सकता है, जब तो प्रतीक में क्या दिखाई दे रहा है,
तथा च विद्यमानं घटादि विद्यमान घटादि वस्तु कार्यान्तरं नास्ति, ठीक है ना। तो उसके बाद जो हमें चतुर्थ पाद में क्या है, मतलब सत हेतुकम असत भूत, इसलिए सत कार्यम असत भूत एव संभवति। मंत्र प्रतीक में क्या लिखा है, उसको सत करना है। दो प्रकार की उत्पत्ति होना संभव नहीं है। तो जब हमको दिखाई पड़ रहा संसार में कार्यात्मक वस्तु, तो दूसरा किसी प्रकार से उत्पत्ति होगा ऐसा मान लिया जाए, तो क्या मैं बोलते हैं अस्तु तरी प्रकार अंतरेण कार्य कारण भाव यदि आशंका, ऐसा शंका करने पर तब उसका उत्तर में बोलते हैं योग्य अनुपलब्धि विरुद्धत्व आत्मैव। जो योग्य अनुपलब्धि मतलब जिस प्रकार से इसकी उपलब्धि होना चाहिए, इस प्रकार उपलब्धि नहीं होने का अनुपलब्धि की वेदांतिक प्रमाण मानते हैं, मतलब वस्तु को नहीं माना अनुपलब्धि का। अयोग्य मतलब जिस रूप में होना चाहिए उस रूप में नहीं दिखाई पड़ते, अनुपलब्धि को टिप्पणी कर बोलेंगे। योग को अनुपलब्धि विरुद्धत्व उसका विरोध होता है, योग्य अनुपलब्धि जिस रूप में इसको होना चाहिए उस रूप में उपलब्धि नहीं होने के कारण ऐसा नहीं कह सकते हैं विरुद्धत्व। मई अन्न किसी प्रकार से उत्पन्न होना संभव नहीं है, न जो अन्न कार्य कारण भाव संभवती शक्य व कल्पयितुं अद्वैत कि नाम असिद्धेव कार्य कारण भाव कश्यति अभिप्राय। यहाँ पे तीन नंबर टिप्पणी, यानी कि योग को अनुपलब्धि है ना, योग को अनुपलब्धि विरुद्धत्व रीति योग्या च असो अनुपलब्धि रीति विग्रह है ना। जो यहाँ पे मतलब कर्मधारय समास हो गया, ये योग को मतलब अनुपलब्धि योग को है, अनुपलब्ध योग को अनुपलब्धि मतलब कि योग्यश्च स अनुपलब्धि च, जिस रूप में आप दिखाई दे रहे इस रूप में उपलब्धि नहीं है, इसलिए योग को अनुपलब्धि इति विग्रह। अनुपलब्ध योग्यता में अनुपलब्धि में योग्य तो क्या वस्तु है, अनुपलब्ध जो अनुपलब्ध है वही योग्य है, जो योग्य वही अनुपलब्ध है, तो ये अनुपलब्धि में योग्य तो क्या वस्तु है। तब बोलते हैं यहाँ पे जब अभाव प्रतियोगी आपादान आपादित प्रतियोगित्व, जो वस्तु का अभाव है, अभाव मतलब दस्य अभाव सतस्य प्रतियोगी, जिसका अभाव बोल रहे हैं वही वस्तु उसका प्रतियोगी होता है। मान लो आपको समझ में नहीं है, इसको टीकाकर अपने टिप्पणी कर अपने आप समझा रहे हैं। अनुपलब्ध योग्यतम अनुपलब्धि में योग्यता, अनुपलब्ध में योग्यता मतलब कहते हैं जो अभाव प्रतियोगी, जो अभाव अभाव की प्रतियोगी घट घट की आपाद ग्रहण और गृहित, यह बोलते हैं अभाव प्रतियोगी आपादान, आपादान मतलब ग्रहण, आपादित मतलब गृहित प्रतियोगिता, उसके साथ समय से प्रतियोगी मतलब भिन्न रूप में होता है, कुछ है और उसका उल्टा रूप में ग्रहण होता है, जिसका अभाव है उसी का आपको प्रतियोगी होता है, तो उसके प्रतियोगी होता है, तो घट की आपादान घट की प्रतीति अथवा घट का ग्रहण हो रहा है ना, उसका प्रतियोगी तो वास्तविक मतलब अभाव रूप में ग्रहण हो रहा है, मतलब हमें प्रतीति होती है, उसको समझा रहे ना। यथा यदि अत्र घटस्य, यदि यहाँ पे घट हुआ होगा, यदि अत्र घटस्य यदि घटाभाव प्रतियोगी घट आपादने न, ठीक है ना, घटाभाव के प्रतियोगी कौन होगा, घट, घट अभाव के प्रतियोगी घट, घट घटाभाव प्रतियोगी घट आपादने न करी उपलब्ध, तब क्या होता घट अभाव के प्रतियोगी को घट यदि वहाँ पे ला देता उपलब्धि हुई होती, परंतु वहाँ पे क्या होता है जो वस्तु आपको वहां पे ग्रहण हुआ है उसका रूप व्यभिचार होता है, इसलिए सत्य वस्तु नहीं, घट का आपादन नहीं हो रहा है, इसलिए हमें बोलते हैं यदि तथा यदि अत्र घटस्य इति घटा घट अभाव प्रतियोगी घट आपादनेन तर्हि उपलभ्यते घट किला उसको उपलब्धि होता है, घट अनुपलब्धि प्रतियोगी घट उपलब्धि आपादन संभव, तब घट अनुपलब्धि के प्रतियोगी घट है उसका आपादन मतलब ग्रहण होना संभव होता है, घट की ग्रहण नहीं होता, घट तो मृत्यु का भी होता है, किसी ग्रहण होता है मृत्यु का भी ग्रहण होता है, नाम रूप तो आपने उसको कल्पना कर दी, और किसका था प्रसुति के आधार पर आचारम मनम विकार नाम देव, ये जो है योग्य अनुपलब्धि है, आपको प्रतीति होता है नाम रूप की प्रतीति होता है, परंतु उपादान कारण ही सत्य है,
तब बोलेंगे ठीक है मृतिका, तो फिर उस मृतिका भी तो एक कार्य है, प्रकृति है, उसके बाद कार्य के कारण किस कार्य से कारण जहाँ अब अद्भी अन्य संगे न अपमूलम अन्य अद्भी संगे न तेज मूलम अन्य तेजसा सौम्य संगे न सन्मूलम अन्य सन्मूला सौम्य हिमा सर्व प्रजा सदनिष्ण सद प्रतिष्ठा, ऐसा करके शांत को पूजा दिखाते हैं। यदि कार्य रूप में आपको दिखाई पा रहा है उसकी अनुसंधान करिए, इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, फिर जब मूल कारण में पहुंच जाएंगे तो अनकॉस्ट कॉस्ट रूप में मतलब सद वस्तु को ही वहां पे दिखा, अभी भी वही वस्तु दिखाई दे रहा है, अभी भी वही वस्तु जो अनुपलब्धि, क्योंकि उसमें कभी व्यभिचार नहीं होता, आकस्मिक उत्पत्ति होते हैं व्यभिचारी तत्व है, जिसकी कभी व्यभिचार नहीं होता वही एकमात्र सत्य वस्तु है, वो सद वस्तु है। ये यहाँ पे कहना चाहते हैं कि योग्य अनुपलब्धि विरुद्ध तत्व, क्योंकि जो अनुपलब्धि में योग्यत्व क्या पड़ता, देखो ये कर्मथाय समास है, जो योग्य है वह अनुपलब्धि योग्य है, उपलब्धि योग्य नहीं है, अनुपलब्धि ही योग्य है, बता हमें तो घट दिखाई पड़ते हैं, बोलते यही जो आपादन और आपात मतलब ग्रहण और भेद जो हुआ है ना वो एक कल्पना मात्र है, और जो सत्य वस्तु है उसका ग्रहण ही नहीं होता, जो भी कोई वस्तु ग्रहण हो रहा है वो सत्य नहीं हो सकता। ये बहुत एक सूक्ष्म, इसका विपरीत जब सोचेंगे सूक्ष्म वस्तु वेदांतिक सिद्धांत है, जहां तक आपको ग्रहण हो रहा है और समझ में ये पारमार्थिक वस्तु नहीं है, पारमार्थिक वस्तु भी इंद्रियों द्वारा ग्रहण नहीं होता, उपलब्धि होती है, उपलब्धि तो होती है। आपको कोई पूछे आप बोलो आपकी सत्ता को आप कैसे समझते, कोई भी व्यक्ति पूछो आपको पता है कि आप हो, तो आपकी सत्ता को आपको कैसे पता लगता है, बोलते मेरे को तो दिखाई पड़ता अपना शरीर, अरे मैं शरीर का सत्ता नहीं पूछे तुम्हारी सत्ता पूछे, क्यों मैं अपने बुद्धि से जानता हूँ, वो तो बुद्धि की सत्ता पता लग जाएगा, मैं बुद्धि की सत्ता भी नहीं पूछा। प्रत्येक व्यक्ति की अपने सत्ता की उपलब्धि होती है और उसके लिए उसको कोई इंद्रिय की आवश्यकता नहीं है, कोई इंद्रिय की आवश्यकता नहीं है, उसी सत्ता से जो उपलब्ध थे, अब आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, एक आपको नीला रंग की एक सिलिंड्रिकल वस्तु दिखाई दे रहा है, पेन नाम रूप आपने तो हमारे अंदर संस्कार इसको बोल देता है, हो सकता है पेट खोखला भी हो सकता है, आप ये बताओ इसकी सत्ता आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं, सत्ता अनुभव से समझ में आ रहा है, दिखाई तो केवल रंग और रूप दे रहा है, सत्ता नहीं दिखाई दे सकता है, आप इसकी सत्ता अपनी सत्ता के साथ एक होकर इसकी सत्ता अनुभव कर रहे हैं, इस प्रकार से मैं हूं मैं चेतन हूं ये हमारे विश्लेषण में कोई शंका नहीं है, केवल एक ही जगह पे कमी है, मैं व्यापक में समझ में नहीं आता, परंतु तो जहां कहीं भी किसी वस्तु को देख करके उसकी सत्ता आपको समझ में आता है, समझना यही सत्ता उन्हीं की सत्ता मिल गया, इसी सत्ता की व्यापकता भी समझना है, सत्ता की व्यापकता इसलिए यहाँ पे बोलते हैं योग्य अनुपलब्धि विरुद्ध तत्व, मतलब जो अनुपलब्धि में योग्यता है क्या है, ये जो आप ग्रहण और गृहित आपादन आपादित ग्रहण और गृहित हुआ ना वो पारमार्थिक नहीं है, आपको घना रूप में जो प्रतीति हो रहा है वो मृत्यु का ही मात्र है, श्रुति बोलती है मृत्यु का इतव सत्य मन विकार नाम देव, कहाँ तक शब्द प्रयोग कर रहे हैं, आकाश तक शब्द प्रयोग होते हैं, इसलिए ये कोई पारमार्थिक शब्द वस्तु नहीं, उत्पत्ति होना संभव नहीं है, इस अभिप्राय से आगे जागरित यो वस्तुतः नास्ति कार्य करणत्वम् इति अत्रैव हेत्वान्तरम् आह, है ना, स्वप्न और जागरण में है ना, स्वप्न जागृत यो स्वप्न आपस में जो कार्यकरण भाव हमने कहा, वस्तु तो नास्ति ये कार्यकरण भाव, पहली बोल कर कहते कार्यकरण भाव हम नहीं मानते हैं, है ना, एक भावना से तो स्वप्न दिखाई पड़ता है, कार्यकरण भाव नहीं है, वस्तु ही नहीं है, उत्पत्ति होने संभव नहीं है, इसलिए स्वप्न जागृत योर वस्तुतः नास्ति कार्यकारण तमाम कार्यकारण भाव नहीं है, इति अत्रैव इस विषय में ही हेत्वंतरम अहम, एक दूसरे हेतु को भी कहते हैं, एक दूसरे हेतु को भी कहते हैं, पहले तो सृष्टि होना संभव नहीं है, इस हेतु से कार्य, यदि कोई सृष्टि हुई होती तब तो ये कारण ही कार्य होना ही संभव नहीं, तो कार्यकरण भाव किसमें करोगे, एक ही में कार्यकरण भाव होगा क्या, इसीलिए एक हेतु वो दी आप हेत्वंतरम, आठ नंबर टिप्पणी आविद्यकत्व रूप हेतु इति अर्थ, ये जो कार्यकरण भाव दिखाई पड़ता है
है, इसके पीछे एक ही कारण है, क्या है? अविद्या से संबंध रखने के कारण। आविद्या का मतलब अविद्या से ठक प्रत्यय होता है, आविद्या का मतलब। तो आविद्या का रूप भेद रूप के अर्थ, तो इसीलिए हमें ये हो गया आपका आठ नंबर श्लोक में आ जाइए। विपर्यासाद यथा जाग्रत अचिंतान भूतवत् पृषेत्, अचिंत्यान भूतवत् पृषेत्, तथा स्वप्ने विपर्यासात्, तथा स्वप्ने विपर्यासात्, धर्मास्तत्रैव पश्यति, धर्मास्तत्रैव पश्यति, विपर्यासात् यथा जाग्रत् अचिन्त्यानुभूतवत् सृषेत्, तथा स्वप्ने विपर्यासात्, धर्मास्तत्रैव पश्यति। श्लोक को मूल में पढ़ते समय यथा संभव बीच में तोड़ना नहीं चाहिए, वो पढ़ने का यथार्थ तरीका है। मतलब मार्ग को कार्य का तो समझने के लिए तो तोड़ना ही पड़ेगा, इसलिए पहले मैं तोड़ के पढ़ा, दूसरे बार विपर्यासात यथा जाग्र यहाँ पे छोड़ देंगे। चिंतान भूतवत् पृषेत्, मतलब जागृत अचिंतन, ठीक है ना, समझने के लिए। तथा स्वप्ने विपर्यासात, यहाँ पे दो शब्द है क्योंकि अभी युक्त अक्षर है, विपर्यासात धर्मास्तत्रैव पश्यति। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, हम तो धर्मान पढ़ रहे हैं, नौका पे है नहीं वहाँ पे, ये गड़बड़ हो गया। प्रशांत नश्च न पदांत में नकार हो और छब प्रत्यय के शब्द बाद में हो तो अनुसार विषय को दो में बदल जाते हैं, ठीक है ना। तो अनुसार बिंदी रूप में दिखाई दे रहा है, विषय आगे तथा हो तो विषय को सकार होगा, चौथ हो तो विषय को ताली पश होगा, तौथ हो तो विषय को मूर्ति शब्द है ना। तो विपर्यासात यथा जाग्रत, मतलब अज्ञान के कारण। देखो एक नंबर टिप्पणी विपर्यासात, उसका अर्थ क्या लिखा है, अविवेकात अविद्यावशात, विवेक पूर्वक नहीं देखने के कारण। रज्जु पर सर्पांग कब दिखाई देते हैं, जब अविवेक पूर्वक देखते हैं, इसलिए बोलते हैं विपर्यासात, अविवेक पूर्वक देखने के कारण, अविद्यावशात अज्ञान के कारण, अधिष्ठान के अज्ञान के कारण। यथा जाग्रत, जैसे जाग्रत वस्तु अचिंतन, वो कैसे हुआ आप विचार करके नहीं निकलेगा, फिर भी भूतवत जैसे पारमार्थिक है, भूतवत पारमार्थिक जैसा स्पर्शित स्पर्श करते हैं, दिखाई पड़ते हैं, व्यवहार करते हैं, ऐसा लगता है। विपर्यासात यथा जाग्रत अचिंतन भूतवत पृषे, दो नंबर टिप्पणी में अचिंतन अनिर्वाच्य रजतादि भावान, ये हो गया अचिंतन, जो अनिर्वचनीय रजत, कौन सा अनिर्वचनीय रजत, सूक्ति के ऊपर दिखाई दे रहा है जो रजत, वो अनिर्वचनीय रजत है, क्यों, ये तो वास्तविक है नहीं, प्रतीति हो रहा है, इसी को अनिर्वचनीय बोलते हैं। तो अनिर्वचनीय, इसी प्रकार जागतिक वस्तु भी पारमार्थिक नहीं है, परंतु प्रतीति होती है। चलिए वेदांत मिथ्या मतलब ये नहीं, मिथ्या असत और अनित्य तीनों को हमेशा मन में बैठा के रखना है ना, मिथ्या बोलते असत नहीं बोलते, कहीं कहीं भाष्य का प्रयोग करने पर भी समझना है उसको, जो है वो मिथ्या रूप में बोल रहे हैं। अनिर्वाच्य रजतादि भावान, अनिर्वाच्य रजतादि भाव वस्तु, उन भाव वस्तु को है ना, भाव वस्तुओं को भूतवत पृषे, भूत सत्य इव पश्यति इति, तो वो सत्य है जैसा, भूतवत मतलब सत्य जैसा दिखाई पड़ता है, सत्य जैसा दिखाई पड़ता है, भूतवत पृषे सत्यान इव, सारा वस्तु सत्य जैसा दिखाई पड़ता है, ये पहले लाइन होगा। तथा सपने, उसी प्रकार सपने में भी विपर्यासात, इस प्रकार क्या वस्तु देखे तत्संबंधित ज्ञान नहीं रहने कारण धर्मान तत्रैव पश्यति, मतलब उस वस्तुओं को उसी जगह पे, मतलब जहाँ पे होना संभव नहीं है वहाँ पे उस वस्तु को वो दिखाई देते हैं, वो दिखाई देते हैं, धर्मान तत्रैव पश्यति, तत्र मतलब स्वप्न व स्वप्न काल में वो दिखाई पड़ता है, बाद में नहीं दिखाई पड़ते हैं। चार नंबर टिप्पणी है ना, स्वतत्रैव तो स्वप्न व स्वप्न काल में दिखाई पड़ते हैं। हम जो लंबा चौड़ा भाष्य नहीं है, सामान्य रूप से है, तो यहाँ पे भाट्टिका का लिख रहे श्लोक से तात्पर्य, श्लोक की तात्पर्य भगवान भाष्यकार बोलते हैं भाष्य में। पुनरपि जाग्रत स्वप्नयोः अशतयोरपि कार्यकरण भाव आशंकाम अपनयन आह, फिर दोबारा ये जो है ना एक वेदांत में एक अभ्यास लिंग होता है, ऊपर का उपसंग अभ्यास अपूर्वता पर अभ्यास को क्या काम करते हैं, जिसको हम प्रतिपादन करना चाहते हैं उसको बार बार घुमा घुमा के बोलते हैं,
ये अभ्यास के लिए, तो इसे वेदांत में इसका दोष नहीं माना गया, क्योंकि दुर्विज्ञ होने के कारण भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से देखने के शरीर को सिखाने के लिए ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं। पुनरपि जागृत स्वप्न यु अशतयोरपि कार्य कारण भाव आशंकम अपनयन जागृत स्वप्न दोनों ही असत है। वो तो पहले तो बोले असत से असत की उत्पत्ति नहीं हो सकता, इसलिए कार्य कारण भाव जागृत स्वप्न में होना संभव नहीं है। एक बार दिखा करके दोबारा बोल रहे हैं, इसलिए पुनरपि पुनरपि पहले श्लोक में क्या बोला था, असत से असत की उत्पत्ति होना संभव नहीं है। अब जागृत भी असत स्वप्न भी असत, इसलिए यहाँ पे बोला पुनरपि जागृत स्वप्न योर असत योर जागृत स्वप्न दोनों ही असत हो असत अर्थ कर अर्थ क्या कर रहे हैं। प्रश्न नंबर टिप्पणी प्रातिभाषिक योर इति अर्थ किसी किसी आचार्य जगत व्यावहारिक जगत के व्यावहारिक शब्द और स्वप्न वस्तु को प्रातिभाषिक शब्द माना को कार्य कर तो प्रातिभाषिक शब्द भी बोलते हैं। भाष्यकार उसको खंडन नहीं किया, भाष्यकार उसको पुष्ट करते हैं। भाष्यकार की अद्भुत शैली है, भगवद गीता की किसी भी श्लोक के अर्थ को नहीं जैसा है वैसा लिखा, परंतु उपोद्घात भाष्य और जो अंतिम में उपसंहार भाष्य उपोद्घात भाष्य देखो और सर्वधर्मान परित्यज मामे का उसके बाद भाष्य देखो, वो हमें वेदांत सिद्धांत प्रतिपादन करता है। ये भाष्य शंकरानंद की भगवद गीता देखेंगे आप तो वहां पे देखें श्लोक को बिगाड़ बिगाड़ के मतलब तोड़ मरड़ पर तो करने अद्वैत को सिद्ध करने में भाष्यकार ऐसा नहीं करता। भाष्यकार ब्रह्मसूत्र में ऐसा मतलब मेन उससे क्या अभिप्राय है देखो, गणित फास्ट ब्रैकेट के अंदर रख देते हो ना तो उसका वो जिस प्रकार से उसका काम में हम प्रधानता देते हैं, मतलब इसके अंदर ही इस प्रकार से पूरा ग्रंथ की अर्थ करते हैं समझना। ये अध्यास भाष्य के आधार पर उपोद्घात भाष्य की प्रसंगा भाष्य के आधार पर अर्थ करना करते हैं। इसीलिए आप बोलते हैं कि स्वप्न जागृत और वस्तु तो नास्तिक कार्य कारण अचिंतान भावान अशक्य चिंतनयान जगत में जो वस्तु दिखाई पड़ते हैं वो सत्य है कि असत है इस रूप उसको निरीक्षण नहीं किया अनिर्वचनीय है। अचिंतान भावान जिसको मतलब चिंतन मतलब वो सत्य है कि असत में निरूपण नहीं, इस प्रकार भाव वस्तु का अशक्य चिंतनयान मतलब जिसको संबंध में सत असत का चिंतन नहीं किया जा सकता। रज्जु सर्वादि देखिए ये जो भगवत भाष्य का देखिए हमको दिखाई दे रहे हैं, हमको समझ में आ रहा है, इस प्रकार से विकल्प करते रहते हैं। इसी बात को हमेशा विकल्प शब्द प्रयोग करके योग दर्शन को मतलब शब्द ज्ञान अनुपाती वस्तु शून्य विकल्प शब्द प्रयोग कर रहे हैं तो सामने वस्तु प्रतीति भी होगा मतलब वस्तु पारमार्थिक नहीं है, इसका विकल्प की परिभाषा है। विकल्प है इति अर्थ इसका अभिप्रेरण है। कश्चित यथा अच्छा तथा स्वप्न विपर्या जिस प्रकार जागृत में हो जाए उसी प्रकार से तथा स्वप्न विपर्याशा स्वप्न में भी इस प्रकार अज्ञान के कारण हस्त्यादि धर्मान पश्चिम को मैं हाथी को देखा छोटा घर में छोटा सा कुटिया मिला रुद्रंगी क्षेत्र में उसमें हाथी को क्या चार पाई को ठीक से नहीं जाता बंधु हम हाथी दिखाई दे रहे हैं मलाई दिखाई दे रहा है तो क्या होगा कि विपर्याशा हस्त्यादि हस्त्यादि हस्ती पहाड़ धर्मान मतलब पदार्थों को पश्चन इव धर्म यहाँ पे पदार्थ वस्तुओं को पश्चन इव देखता हुआ जैसा विकल्प यदि उसको पर विकल्प करता है ना देख रहा हूँ सुन रहा हूँ समझ रहा हूँ व्यवहार कर रहा हूँ बाहर जा रहा हूँ हाथी में भी तो घूम रहा हूँ सब में तत्रे पश्यति उसी वक्त कमरे में सब कुछ न तो जागरिता उद्गमान उद्गमानान इति अर्थ तो है जागृत में उठ करके उसको फिर नहीं दिखाई पड़ता है जागरिता उद्योग छह नंबर टिप्पणी दिखाई पड़ रहे
कश्चित मत कश्चित भ्रांत, कोई भ्रांत व्यक्ति व्यक्ति को जैसा दिखाई पड़ते हैं। अब एक अर्थ लाइन लिखते हैं, अक्षर अर्थम कथयति भगवान वासुदेव, इसके श्लोक में आए हुए जो अक्षर है पद है उसके अर्थ को बोलते हैं। विपर्यासा अविवेक तथा जागृत जागृति अचिंतन भावान अशक्त चिंतन सर्वाधि भूतवत परमार्थ पर कृष्ण इव विकल्प है। जैसा जागृत में करते देखो, पहले स्वप्नों के आधार पर जागृत को मिथ्या बोलना था, अब जागृत को मिथ्या बनाकर स्वप्नों के सिर। जैसे उपासना के क्षेत्र में क्या बताए, जो सोलह वस्तु जो पुरुष ठीक इसी प्रकार यहाँ पे पहले स्वप्नों को अवलंबन दृष्टांत बनाकर जागृत मिथ्या तो सिद्ध कर दिया, अब जागृत को अवलंबन लेकर स्वप्न से ही मिलता है। इसलिए बोलते हैं छह नंबर कश्चित भ्रांत, तो कश्चित इति अस्य पूर्वी में क्रियापद संबंध, क्रियापद कहाँ है पूर्व में, स्पृशेत है ना, स्पृशेत तो उसके साथ उसका अन्य बनता, मतलब कोई कश्चित प्रिषेक होता, कोई अज्ञानी व्यक्ति को ऐसा स्पर्श करता है विष्णु, जथा जैसे जागृत में तथा स्वप्ने उसी प्रकार स्वप्न में भी आए। इसे बोलते दृष्टांतम अनुद्ध दृष्टांत, दृष्टांत हो गया जागृत, अब दृष्टांत हो गया स्वप्न, पहले स्वप्न को दृष्टांत बनाया था, जागृत का दृष्टांत था, जागृत को दृष्टांत बनाया, स्वप्न को दृष्टांत बना दिया। इसे बोलते हैं दृष्टांतम अनुद्ध दृष्टांत, दृष्टांत जागृत को बोल करके तथा स्वप्ने विपर्यास उसी प्रकार संक्रमण में अज्ञात कर हस्त्यादि धर्म हस्त्यादि शब्द वस्तु को पश्यन इव विकल्प, मैं देख रहा हूँ जैसा वो विकल्प करता है तत्र पश्यत वहीं कमरे में, न तो जागृत उद्यमान जागृत से उठा हुआ वो नहीं दिखाई पड़ता है। स्वतंत्र आविद्यका न तु जागृत वासना अधीनान इति भाव, वो जो है वो जागृत वासना का अधीन नहीं है, स्वतंत्र ही है पुस्तु। देखिए तो क्या बोल रहा है, स्वप्न में भी आपको कभी कभी ऐसा वस्तु दिखाई देगा जो आपने जागृत में नहीं देखा, जागृत में नहीं देखी, तत्व मतलब केवल उसी जगह भी आपको दिखाई देगा, बाकी आपको जागृत में तत्व में केवल स्वप्न में ही दिखाई देगा, जागृत में वस्तु यही नहीं, ऐसा वस्तु स्वप्न में नहीं जो तत्व स्वप्नान एव इति, स्वप्न को ही देखते हैं तत्व स्वतंत्र आविद्य न तो वहीं पर स्वतंत्र आविद्य से आप हमेशा अपने वस्तु को देखते हैं, न तो जागृत वासना न तो जागृत वासना अधीना, जागृत वासना के अधीन होकर के दिखाई देने वाला नहीं है। थोड़ा दिमाग फिर गुजरना पड़ेगा, निकल बताएंगे यहाँ पे, क्योंकि ऐसा पहले तो क्या बोला था जागृत वस्तु से स्वप्न देखता है निषेध करते हैं, फिर जागृत वासना से स्वप्न वासना होता है, परंतु ऐसा वस्तु भी हमें स्वप्न में दिखाई पड़ता है जिस जन्म में हमें कभी याद आए कि नहीं दिखाई पड़ता, इसलिए ना पहले देखा ना उठ करके देखेंगे फिर भी स्वप्न दिखाई पड़ता है, इसलिए अनिर्वचनीय ही है। यही बात है, यदि हमको दिखाई पड़ता है, यदि हमको दिखाई पड़ता है जन्मांत के संस्कार उचित रूप में रहा ना, उनसे निमित्त सभी भगवान लिखा अजम अपि योगम प्रावदैश्वर्य योगा अगति चक्षति प्राप्य देकम हनेकम विविध विषय धर्माग्राही क्षणानाम प्रणत विहय विहंत्रि ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करम् शङ्कराचार्यम् केशवम् पादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये।
नमः।